अपना है 2018 का आया हुआ क्वेश्चन, मोल प्लस इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री डाइबोरेन। इसमें लिखा है हाउ लॉन्ग अप्रोक्सीमेट शुड वाटर बी इलेक्ट्रोलाइज्ड बाय पासिंग थ्रू 100 एम्पीयर करंट सो दैट ऑक्सीजन रिलीज कैन कंप्लीटली बर्न इतने ग्राम डाइबोरेन। यानी वाटर का इलेक्ट्रोलिसिस करना है जिससे ऑक्सीजन गैस निकले, निकलने दो, फिर ऑक्सीजन गैस से डाइबोरेन को जला दो यूडियोमेट्री ट्यूब में, ठीक है, और इतनी बने कि बस डाइबोरेन खत्म हो जाए, ऑक्सीडाइज हो जाए, न ज्यादा न कम। तो पहले तो डाइबोरेन का फॉर्मूला क्या है, B2H6 ऑक्सीजन, B2O3 प्लस H2O। सबसे पहले बोरोन बैलेंस है, हाइड्रोजन बैलेंस है, ऑक्सीजन बैलेंस है, सब बैलेंस हो गए, बोलो हाँ या ना। अब डाइबोरेन के मोल कितने हैं बाय एसएल थ्योरी ऑफ मोल। क्या कहता है एसएल थ्योरी, एन डिवाइडेड बाय वन, कंज्यूम मोल डिवाइडेड बाय स्टोइकोमेट्रिक कॉफिशियंट, कंज्यूम मोल डिवाइडेड बाय स्टोइकोमेट्रिक कॉफिशियंट। कितने मोल है इसके, वेट कितना दे रखा है आपको डाइबोरेन का, 27.66 ये वेट है, मोलर वेट भी इतना ही है, 27.66 डिवाइडेड बाय 1, NO2 डिवाइडेड बाय 3। तो कोई मुझे ये बताए NO2 कितना होगा, 3, इतने मोल O2 के आ जाएंगे। फिर SL थ्योरी क्या है, ये SL थ्योरी वापस इलेक्ट्रोलिसिस के, इतने मोल O2 निकाले इलेक्ट्रोलिसिस। तो हमने क्या लिखा था, इक्विवेलेंट ऑफ चार्ज इज इक्वल टू इक्विवेलेंट ऑफ O2, बराबर होंगे। इक्विवेलेंट ऑफ चार्ज कैसे निकालोगे, I कितना है 100 एम्पियर, T कितना है, T हावर्स में निकालना है क्योंकि सारे ऑप्शन हावर्स में है, तो मान लो T हावर्स में, तो सेकंड में रखना है हमें, तो 96500 SL थ्योरी, बोलो हाँ या ना, इज इक्वल टू इक्विवेलेंट क्या दिया है आपको, मोल मल्टीप्लाई बाय एन फैक्टर कितना होगा, 4, कोई दिक्कत। तो T की वैल्यू क्या हो जाएगी, मोल ऑफ O2 कितने है? 3 मल्टीप्लाई बाय 4, ये तो हो गया 3 मल्टीप्लाई बाय 4, कहीं दिक्कत नहीं है। 96500 अपॉन 100, 3600, 2020, 9.65 हो गया, बोलो हाँ या ना। 4 × 3 = 12, 3, 3.2 हावर्स। करो इसको, देखिए बच्चों कुछ और एग्जांपल करते हैं हम, इस एग्जांपल को देखिए क्या दिया गया है, द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ MnO2 इज कैरिड आउट फ्रॉम ए सॉल्यूशंस ऑफ MnSO4 इन H2SO4 इफ ए करंट ऑफ 25.5 एम्पियर इज यूज्ड व्हेन करंट एफिशिएंसी ऑफ 85%, हाउ लॉन्ग वुड इट टेक प्लेस टू प्रोड्यूस 1 kg ऑफ MnO2। तो मुझे सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ना है 1 kg ऑफ MnO2, यहां इसके इक्विवेलेंट कैसे निकालेंगे, वेट डिवाइडेड बाय मोलर वेट मल्टीप्लाई बाय एन फैक्टर, यहां Mn+2 MnO2 यानी Mn+4 में चेंज हो रहा है तो एन फैक्टर कितना है, 2, मोल मल्टीप्लाई बाय एन फैक्टर इक्विवेलेंट। चार्ज के इक्विवेलेंट निकाल लें, नेक्स्ट कैसे निकालेंगे, I की वैल्यू कितनी है, 25.5, T की वैल्यू निकालनी है सेकंड्स के अंदर, ठीक है, कितने परसेंट एफिशिएंसी है, 85%, यानी ये तो हुए चार्ज डिवाइडेड बाय 96500, इजी है, इक्विवेलेंट ऑफ चार्ज इक्वल टू इक्विवेलेंट ऑफ MnO2, और अगर हम यहां से T निकालेंगे तो 1.023 × 10⁵ सेकंड्स आएगा, इजी और वेरी इजी, वेरी इजी। नाउ नेक्स्ट सॉल्यूशंस,
एज्यूम 96500 कूलम एज वन यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इफ कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी ऑफ प्रोड्यूसिंग एक्स ग्राम एल्यूमिनियम इज रुपीज एक्स. वेरी गुड. व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी ऑफ प्रोड्यूसिंग एक्स ग्राम ऑफ मैग्नीशियम. देखिए मैं इसको करूंगा यूनिटरी मेथड से. कैसे यूनिटरी मेथड में पकड़ता हूं, इतने इक्विवेलेंट का इतने रुपए है और इतने इक्विवेलेंट का कितना रुपया लगेगा, यानी हमसे कॉस्ट पूछ रहा है. तो ऐसे करेंगे रुपीस डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट मल्टीप्लाई बाय इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट्स लेके आएंगे, जिसे मेन यूनिट क्या बने हमें रुपीस. अब कैसे हमें देखना है रुपीस. इफ कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूसिंग एक्स ग्राम एल्यूमिनियम इज एक्स रुपीस, यानी एक्स रुपीस एक्स ग्राम. तो एक्स ग्राम को इक्विवेलेंट में चेंज करें, एल्यूमिनियम के लिए एटॉमिक वेट 27 एंड फैक्टर 3 मल्टीप्लाई बाय इक्विवेलेंट ऑफ मैग्नीशियम. कैसे निकालेंगे, एक्स डिवाइडेड बाय मैग्नीशियम का 24 मल्टीप्लाई बाय एन फैक्टर 2. एल्यूमिनियम हम सब जानते हैं प्लस 3 से एल में चेंज होगा, जबकि मैग्नीशियम प्लस 2 से एमजी में चेंज होगा. तो ये हमारे लिए रुपीज डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट मल्टीप्लाई बाय इक्विवेलेंट. अब आप इसको क्रॉस कर दें, ये एक्स एक्स क्रॉस हुआ, ये 9 टाइम्स, ये 12 टाइम्स, तो मेरे पास आ जाएगा 9 बाय 12 एक्स, जिसकी वैल्यू होगी 0.75 एक्स. आर यू गेटिंग दिस पॉइंट. दो क्वेश्चन बहुत आसानी से कर लिए. नेक्स्ट, कैलकुलेट द क्वांटिटीज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी दैट वुड बी रिक्वायर्ड टू रिड्यूस 12.3 ग्राम ऑफ नाइट्रोबेंजीन टू एनिलीन. यानी ये हमारे पास नाइट्रोबेंजीन है जिसे हम एनिलीन में चेंज कर रहे हैं. एनिलीन ये हमारे पास बन चुकी है, प्लस हमारे पास कितना H2 होगा, ट्वाइस H2. कितना इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन होगा, दो इलेक्ट्रॉन नहीं 6 इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन होगा, यानी N फैक्टर कितना हो रहा है 6. नाइट्रोबेंजीन टू एनिलीन इफ द करंट एफिशिएंसी फॉर द प्रोसेस इज 50%, ठीक है. इफ द परसेंटेज पोटेंशियल, ये सेकेंड पार्ट हो गया, लेकिन हमसे पूछा है क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. मैंने मान लिया क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी क्यू, एफिशिएंसी 50% डिवाइडेड बाय 96500, ये हो गया इक्विवेलेंट ऑफ चार्ज. और इक्विवेलेंट ऑफ चार्ज को हम इक्विवेलेंट ऑफ नाइट्रोबेंजीन से करेंगे. कितना है हमारे पास नाइट्रोबेंजीन का क्वांटिटी, 12.3 ग्राम डिवाइडेड बाय मोलर मास 123 नाइट्रोबेंजीन का, एन फैक्टर कितना आ रहा है 6. तो यहां सॉल्व करने के बाद हमारे पास क्यू की वैल्यू क्या आ रही है, क्यू की वैल्यू आएगी, इसको सॉल्व करते 115800 कूलॉम. आर यू गेटिंग दिस पॉइंट, इजी और वेरी इजी. चेक करो. नेक्स्ट, एक और चीज पूछा है, इफ द पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस द सेल इज 3 वोल्ट, हाउ मच एनर्जी विल बी कंज्यूम. भाई कितनी एनर्जी कंज्यूम होगी. एनर्जी इक्वल टू हम जानते हैं क्यू मल्टीप्लाई बाय वी. क्यू की वैल्यू हम निकाल ही चुके हैं 115800, वी की वैल्यू 3 डिवाइडेड बाय 1000. क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे आंसर चाहिए किलो जूल में. थोड़ी सी मेहनत करते ही ये मेरे पास आ गया 347.4 kg. बहुत ही आसानी से कर सकते हैं, केजी नहीं केजे किलो जूल. आर यू गेटिंग दिस पॉइंट. नेक्स्ट, एक और एग्जांपल करते हैं, हाउ लॉन्ग ए करंट ऑफ 2 एम्पियर हैज टू बी पास थ्रू ए सॉल्यूशंस ऑफ AgNO3 कोटिंग ए मेटल सरफेस ऑफ दिस एरिया. दे रखा है थिकनेस दे रखी है, ठीक है, डेंसिटी दे रखी है. तो आप कैसे करेंगे, एरिया मल्टीप्लाई बाय थिकनेस, वॉल्यूम हो गया, वॉल्यूम मल्टीप्लाई बाय डेंसिटी, मास, मास डिवाइडेड बाय मोलर मास. सिल्वर का कितना है 108 मोल, मल्टीप्लाई बाय एन फैक्टर. एजी के लिए एन फैक्टर कितना होगा 1. सही है. और इस तरफ हमारे पास कितना एम्पियर है, 2 एम्पियर,
टी हमें निकालना है, कोई सेल एफिशिएंसी कुछ भी नहीं दे रखी, यानी 100% है, डिवाइडेड बाय 96500 कूलाम में हमने ले लिया। एक बार वैल्यू रखिए, 2 मल्टीप्लाई बाय टी मल्टीप्लाई बाय 100 बाय 100 यानी 1 अपॉन 96500। एक ही वैल्यू क्या दे रखी है आपको यहां पर, 80। ये जो 80 दिया गया है ये ऑलरेडी सेंटीमीटर स्क्वायर में, लेकिन ये म्यू जो 5 दिया गया है ये माइक्रोमीटर में, और माइक्रोमीटर मतलब 10^-6 मीटर, यानी 10^-4 सेंटीमीटर। डेंसिटी 10.8, 108 ये डिवाइड किया हमने एटॉमिक वेट, और इसको सॉल्व करते हैं, टी की वैल्यू जो आ रही है वो है 193 सेकेंड। लिखिए इसको सब,